मैं चित्रांशी आज फिर आया हूं। और दोस्तों, म्यूजिक में माइनर स्केल होता है। जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में मेजर स्केल के बारे में बताया था कि मेजर स्केल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसी तरह माइनर स्केल होता है। और ये माइनर बड़ा ही अच्छा स्केल होता है, मजेदार स्केल होता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, नेचुरल, हार्मोनिक, मेलोडी। तो अब ये तीनों की अलग अलग खूबसूरती है, आज हम लोग इसी को सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए चलते हैं कीबोर्ड की ओर। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि तीन तरह के माइनर होते हैं, नेचुरल, मेलोडिक और हार्मोनिक। सबसे पहले हम लोग नेचुरल की बात करेंगे। इसमें दोस्तों हम सी नोट को बेस मान के बता रहे हैं, वही चीज पूरे 12 नोट पर अप्लाई होगी। तो जैसा मेजर स्केल आपने देखा था सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो इसमें नेचुरल माइनर में क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो ये थर्ड नोट है इसको फ्लैट कर देते हैं। फ्लैट हमने आपको बताया था कि जब एक सेमीटोन नीचे का नोट लगा दें तो फ्लैट होता है। तो ये सी डी और ई फ्लैट या डी शार्प, कुछ भी कह लीजिए आप, सी डी डी शार्प एफ जी और ये ए को हमने फ्लैट किया यानी जी शार्प, फिर बी को फ्लैट किया ए शार्प एंड सी। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, सी डी डी शार्प एफ जी जी शार्प ए शार्प एंड सी। तो दोस्तों किसी का भी आपको बनाना हो तो इसको आप बनाएंगे, इसका जो फॉर्मूला चलेगा वो रूट टोन सेमीटोन टोन टोन सेमीटोन टोन एंड फिर वही फर्स्ट नोट आ जाएगा। तो ये सी नेचुरल माइनर है, इससे आप इसी तरह से 12 स्केल को बना सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि इसके माइनर स्केल को कैसे बनाते हैं। अब इसका एक रिलेटिव बनता है, रिलेटिव इसका कौन सा बनेगा, डी शार्प या ई फ्लैट आप कह सकते हैं इसको। अब अगर इस जगह से हम इसके मेजर नोट को बजाएं, यानी तो इसका जो सिक्स्थ नोट आता है यानी 1 2 3 4 5 6, देखिए सिक्स्थ नोट आपका यही सी आ गया। सिक्स नोट आया, यहां से जब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे तो सी माइनर के नोट फिर से हमें मिल जाएंगे। दोस्तों कहने का मतलब ये कि जो डी शार्प मेजर के नोट हैं, सेम नोट सी माइनर के भी होंगे। तो दोस्तों जैसा हमने आपको बताया कि माइनर का एक मेजर ऐसा होता है जिसमें सेम नोट लगते हैं, जैसे सी का हमने डी शार्प बताया। अब सपोज हम ई मेजर ले लेते हैं, तो देखिए ई मेजर के नोट्स जो हमारे आएंगे ई एफ शार्प जी शार्प ए बी सी शार्प डी शार्प ई। तो दोस्तों अगर हम इस सिक्स नोट को बेस मानेंगे तो देखिए सी शार्प माइनर का रूट हमें मिल जाएगा। यही ई मेजर में, अगर यहां से हम बेस मानेंगे तो वही मेजर का चलता है, वही माइनर का चलता है। अगर हम ई से स्टार्ट करेंगे तो मेजर बनेगा, और अगर ये सी शार्प से स्टार्ट करेंगे तो माइनर बन जाएगा। तो सी शार्प माइनर का रिलेटिव ई मेजर, ई मेजर का रिलेटिव सी शार्प माइनर। तो अगर सिक्स नोट को हम लोग बेस मान के बजाएंगे तो जो मेजर स्केल है उसी का माइनर स्केल हमको मिल जाएगा। ये 12 नोट पर ये अप्लाई होएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि माइनर स्केल कैसे बनाते हैं। अब इसमें फिंगर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो कौन सी फिंगर रखेंगे इस पे, जैसा हमने पहले वीडियो में बताया कि 1 2 3 4 5 फिंगर होती हैं। तो राइट हैंड पे जो रखेंगे वो 1 2
3, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। फिर से देखिए दोस्तों, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। और जब इसके अगर हम यहाँ पर फर्स्ट फिंगर लाएंगे तो सेम फिंगर हम आगे चला देंगे, जहाँ पर हमें रुकना है वहाँ पर पांचवी फिंगर रखेंगे और वैसे ही लौट आएंगे। तो ये आपकी राइट फिंगर चलेगी। लेफ्ट हैंड से कैसे करेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड से ये इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 होती है, तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड की फिंगर देखते हैं कैसे होते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1। फिर से देखिए, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1। तो दोस्तों ये इसकी फिंगर चलेगी इसी तरह राइट हैंड की। अब इसमें ये आपने देखा कि फिंगर कैसे चलेगी, अब ये नोट्स आ रहे हैं दोस्तों, इस पर कॉर्ड्स कैसे लगेंगे। तो मेजर कॉर्ड्स तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बनाया था, ये सी फर्स्ट नोट हमारा सी है, तो इस पर पहला कॉर्ड जो लगेगा वो सी माइनर लगेगा। सी माइनर यानी थर्ड नोट को हम फ्लैट कर देते हैं तो ये माइनर कॉर्ड बन जाता है। इस पर नोट लगेंगे सी डी शार्प जी। दूसरा नोट जो हमारा आएगा वो डी। तो दोस्तों इस पर अकॉर्डिंग टू रूल डी डिमिनिश्ड कॉर्ड लगेगा और इसमें जो नोट लगेगा वो डी एफ एंड जी शार्प। तीसरा नोट इसका आता है डी शार्प, तो डी शार्प पर जो कॉर्ड लगेगा वो डी शार्प जी और ए शार्प। चौथा नोट आता है एफ, एफ पर जो आप कॉर्ड लगाएंगे वो एफ जी शार्प सी, ये होता है एफ माइनर। फिफ्थ नोट इसका आता है जी, जी पर भी आप दोस्तों जी माइनर कॉर्ड लगाएंगे। ये माइनर का अभी हमने आपको बताया कि जो मेजर कॉर्ड होता है फ्लैट कर दीजिए, बस एक सेमी टोन डाउन कर दीजिए तो माइनर कॉर्ड बन जाता है। फिर इसका सिक्स्थ नोट आता है जी शार्प, तो जी शार्प सी डी शार्प, ये आपका मेजर कॉर्ड बनेगा, मेजर कॉर्ड आपको पहले ही मालूम है। एंड लास्ट कॉर्ड जो इसका बनता है वो ए शार्प डी एफ, तो ये आपका ए शार्प मेजर या बी फ्लैट मेजर कुछ भी कह सकते हैं, ये बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको नेचुरल माइनर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है सी हार्मोनिक माइनर स्केल। तो दोस्तों इसमें कोई खास नहीं है, जो आपके नेचुरल माइनर के नोट्स हैं, इसमें जो ये सेवेंथ नोट आ रहा है इसको एक सेमीटोन बढ़ा दीजिए। सेवेंथ नोट आपका ए शार्प है या बी फ्लैट, दोनों ही एक ही नोट हैं, इसको जब हम एक सेमीटोन बढ़ाते हैं तो ये नोट मिल जाता है हमको बी। बस इस नोट को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सी हार्मोनिक माइनर स्केल। अब ये कैसे चलेगा, सी डी डी शार्प एफ जी जी शार्प, इसके बाद दोस्तों आपको सीधे बी नोट और उसके बाद फिर सी। तो अब ये स्केल बनती है इसमें भी दोस्तों फिंगर वही रखेंगे जो आप नेचुरल माइनर में रख रहे थे, लाइक 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट हैंड में भी वैसे ही रखना है 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1। वापस चले जाइए तो ये इसके फिंगर इस तरह चलेंगे। तो दोस्तों इसमें वही आपका सेवेंथ नोट को हम लोग बस एक सेमीटोन बढ़ा देते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट टोन सेमीटोन टोन टोन सेमीटोन, और यहां से एक दो तीसरा सेमीटोन लेंगे दोस्तों, यानी टोन
और सेमी टोन, यानी थ्री सेमी टोन ऊपर लेंगे तो ये सेवेंथ नोट मिलेगा हमको, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग सी मेलोडिक माइनर की बात करते हैं। ये भी बड़ा मज़ेदार स्केल है दोस्तों, बिकॉज इसमें जाते हुए कुछ नोट लगते हैं, लौटते समय नोट बदल जाते हैं। तो जब हम लोग जाते हैं इसमें तो सिर्फ सी डी और जो सी मेजर का थर्ड नोट होता है सिर्फ इसको फ्लैट कर दीजिए, यानी डी शार्प, सी डी डी शार्प, बाकी वही मेजर के नोट तो जाते समय ये नोट लगेंगे सी डी डी शार्प एफ जी ए बी सी। लेकिन दोस्तों जब इसमें हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो ये नोट लौटते समय दूसरा हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है सी ए शार्प जी शार्प जी एफ डी शार्प डी ई। तो ये जो नेचुरल माइनर आपने देखा था ये बेसिकली उसी नेचुरल माइनर को जब हम वापस लौटते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाता है, यानी जाते समय सिर्फ हम एक नोट को फ्लैट करते हैं, बाकी सारे मेजर के नोट लगेंगे और लौटते समय तीन नोट चेंज होते हैं, ये ए शार्प जी शार्प एंड यहाँ पे डी शार्प। तो इसमें जाते समय जो नोट आएगा वो सी डी डी शार्प एफ जी जी शार्प। दोस्तों इसमें हम फिंगर की बात करते हैं, फिंगर आपको बताते हैं। जैसे हम लोग नेचुरल माइनर या हार्मोनिक माइनर में किए थे तो सेम 1 2 3 1 2 3 4 5, एंड लौटते समय सिर्फ नोट चेंज होएगा, फिंगर वही रहेगी। इसी तरह से लेफ्ट हैंड से भी करेंगे सेम फिंगर चलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों माइनर समझ में आ गए होंगे। आइए छोटी सी एक देखिए इसमें कैसे कुछ हम लोग प्ले करते हैं, एक बहुत छोटी सी 30 सेकंड की एक धुन सुनाते हैं हम आपको माइनर की। तो दोस्तों आपने देखा कितनी मज़ेदार बात होती है जो माइनर स्केल्स होते हैं, और जब माइनर स्केल आप बजा लेंगे ना तो इसमें ऐसी ऐसी कंपोजिशन आपको मिलेगी जो बजाने में वाकई में आपको बड़ा मज़ा आएगा। बट इसमें ज़रूरी है आप अपने फिंगर का ध्यान रखिए, कॉर्ड्स आपको पता रहने चाहिए कि कौन से कॉर्ड्स लगेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं हमसे, उसको हम बताएंगे आपको। उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। दोस्तों इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।